मैंने अपना ओपिनियन अपने सोशल मीडिया पे वहाँ पे डाला था कि ये एक कोई भूल गया है क्या कि लड़की की बात हो रही है, मेरे को तो सडनली लड़की से ज़्यादा सिर्फ एक रिलीजन की आवाज़ सुनाई ज़्यादा दे रही है, तो वो मुझे तो एक से ज़्यादा डिसबिलीफ होता है कि ऐसी बातें हो रही हैं। सो इस टाइम पे सब ये लग रहा है कि बहुत हमने ना एक लड़की को अपनी एक सिटीज़न को बहुत बुरा और एकदम वर्थलेस फील कराया है ऐसी बातें कर कर भी। तो आई जस्ट होप कि जल्द से जल्द किसी भी तरह का उसका जस्टिस मिले, इतनी ही प्रे या उम्मीद कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो अब मजाक बन चुका है इस चीज़ का। आई थिंक वी आर ऑल नॉट जस्ट वीमेन बट द एंटायर नेशन इज़ यू नो अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस दैट इज़ हैपनिंग इन आर कंट्री। एंड हर एक बार, अभी आसिफा के बारे में है, उसके पहले निर्भया था, उसके पहले कुछ और ऐसे कुछ बहुत सारे और भी होते रहते हैं जिसके बारे में मालूम भी नहीं पड़ता है। एंड आई थिंक यू नो इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम फॉर श्योर दैट यू नो द मेन पर्सन हैज़ टू रिमूव अ स्ट्रिक्ट लॉ एंड डेफिनेटली गिव अ वेरी हार्श यू नो हार्श पनिशमेंट for the person doing wrong, and definitely it should be so threatening that aage jaake koi bhi aise cheez karne ke pehle hazar baar soche. Aur ye bhi kehna chahungi ki is mamle ko leke there are pros and cons. Aise bhi hota hai ki bahut sare logon ko galat ilzam bhi lagaya jata hai, so that's where the thin line has to be drawn. And if evidence and proof is there, then you have to kill the wrongdoer.